हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट फिजिक्स टर्म टू प्रैक्टिकल पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्टली दिस इज पीएन जंक्शन डायोड सेटअप. इन दिस पीएन जंक्शन डायोड सेटअप वी हैव टू मीटर. फर्स्ट इज वोल्ट मीटर, सेकेंड इज एमीटर. इन एमीटर वी हैव टू मीटर, मिलीमीटर रेंज एंड माइक्रोमीटर रेंज. देन this PN junction diode is working in two bias, firstly forward bias and second is reverse bias. Now I make a circuit diagram for this PN junction diode. जैसा कि हमने सबने थ्योरी में पढ़ा है, ये PN semiconductor होता है, P ये N, इसमें ये repulsion region बनता है. P को जब हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को जब हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे सीरीज में लगा देते हैं हम एमीटर, तो ये बन जाता है फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस इसके लिए वोल्टमीटर को हम हमेशा पैरेलल में, सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. तो यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई होगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो होल इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस साइड मूव करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे होल्स इस साइड, तो ये जो रिपल्सन रीजन है वो श्रिंक हो जाएगा. इसकी जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम बनाएंगे अभी. ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं रिवर्स बायस केस में. रिवर्स बायस में हमने क्या करना है, पी एन, जो पी को हमने कनेक्ट करना है नेगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ. एमीटर को हम सीरीज में एंड वोल्टमीटर को पैरेलल में. अब हम देखते हैं ये सर्किट डायग्राम यहाँ पे सेट. तो सबसे पहले हमने ये जो सेटअप हमारा पर कौन किया, हमने फर्स्ट हमने क्या करना है, फॉरवर्ड बायस. सबसे पहले फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो फॉरवर्ड बायस का पी बैटरी के पॉजिटिव के साथ, फॉरवर्ड बायस का नेगेटिव जो एन है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ. तो सीरीज में हमने लगाना है अभी एमीटर, तो एमीटर लगा दिया. एमीटर का जो नेगेटिव पॉइंट है वो हमने लगा दिया बैटरी के नेगेटिव से. अब वोल्टमीटर के कनेक्शन, वोल्टमीटर के कनेक्शन क्या बताया था मैंने, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो वोल्टमीटर बैटरी के पैरेलल में, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ. यह हमारी सारी वायरिंग हो गई, ठीक है. उसके बाद हमने स्विच ऑन कर देना है. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं 3VDC एंड 30VDC, ऐसे ही 10 मिली एम्पियर और 100 माइक्रो एम्पियर. तो आपको 3VDC में और 10 मिली एम्पियर में करना है. उसके बाद यहाँ पे आप रीडिंग देख पाओगे, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग देखनी है आपने. तो ये देखो आप, वोल्ट मीटर को हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहाँ पे गए हम, यहाँ पे आप देख रहे हो एमीटर में भी इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है. तो इसके रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाएंगे अभी. ये जैसे हमने वैल्यू सारी नोट डाउन की, सबसे पहले फर्स्ट हमने नोट डाउन की 0.05 V. आई कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा, हमने मिली एम्पियर वाली रीडिंग लेनी है, तो आई कितना है हमारा 1, ठीक है. उसके बाद ये यहां पे हम ये 0.05 और 1 इनके बीच में क्या हो जाएगा, 0.5 और 7 या 8, ठीक है, 7 ले लिया हमने. तो उसमें यहां पे रीडिंग कितनी आई है, 2. देन उसके बाद इंक्रीज किया हमने, वोल्ट मीटर आया, अब वोल्टेज 1, यहाँ पे वोल्टेज 1 आने के बाद करंट कितना हुआ, 3. देन फिर हम 1.5 ले रहे हैं, तो 1.5 पे ये आ रहा है अप्रोक्सीमेट 4 से अबव, ये आ रहा है 4 ले लिया. तो ऐसे हमने V और I की हमारी रीडिंग आ गई, ठीक है. अब हम सिंपल एक ग्राफ लेंगे, ग्राफ
ग्राफ में हमारा ये दो एक्सिस आ गए, ये हमारा फॉरवर्ड करंट जो किसमें होगा, फॉरवर्ड करंट किसमें होगा, मिली एम्पियर में, एंड पोटेंशियल वो होगी वोल्ट में। तो उसके रिस्पेक्ट में जो जो वैल्यू आई है हमारी, ठीक है, जैसे 0.05, 7, 1, 1.5, 2, 2.5 जो भी लेंगे हम, इसमें आ रहा था 1, देन ये 2, देन 3, 4, ये 1, 2, 3, 4 ऐसा इंक्रीज होता होता हमारा ग्राफ ऐसे आएगा। इसे ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है फॉरवर्ड बायस की। अब नेक्स्ट में हम करना है हमने रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के लिए हमने ऐसे रीडिंग हमने लास्ट तक करनी है, फिर 2 पे देखना है, ठीक है, फिर 2.5 पे, फिर 3 पे, ऐसे इंक्रीज हमने देखता रहना है, ठीक है। अब हम इसको स्विच ऑफ करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस के लिए रिवर्स बायस के लिए क्या होता है बेटा, मैंने P को हमने कनेक्ट करना है नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ। तो P यही है हमारा रिवर्स बायस का, जो N है ये हमने सिंपल बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पे इसका ये जो P वाला साइन है वो एमिटर पॉजिटिव, देन एमिटर नेगेटिव का बैटरी के नेगेटिव के साथ। वोल्ट मीटर के कनेक्शन तो वही होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव। नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान देना है हमने जो भी कैलकुलेशन करनी है हमने वो करनी है 30 वोल्ट डीसी और 100 माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। तो ये दोनों पल्क हम नीचे की साइड कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद ये यहाँ पे रिवर्स बायस का है, तो रिवर्स बायस यहाँ पे देखेंगे हम, जो भी वैल्यू आई हमारी 0 पे जो वैल्यू है, ठीक है, फिर 5 पे जितनी वैल्यू आएगी, फिर 10, अब नीचे वाली रीडिंग लेनी है हमने 0, 5, 10, क्योंकि 30 वोल्ट वाला पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे हमने अपर वाली 0, 20, 40 ये वाली रीडिंग पढ़नी है। तो ये देख पा रहे हो आप 1.5 पे इतना, 2 पे ये ऐसे जो इंक्रीज अचानक आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 तक तो स्लोली स्लोली इंक्रीजमेंट हुई, फिर 2 के बाद यहाँ पे 2 से जैसे हमने बढ़ाया यहाँ पे फ्लक्चुएट हो गई है, ठीक है, बिल्कुल सेचुरेट हो गई। तो इस कंडीशन पे हमारा जो ग्राफ बनेगा रिवर्स बायस में, ये रिवर्स करंट म्यू ए में, ये पोटेंशियल वी में। तो ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे स्लोली स्लोली इंक्रीज होते हुए अचानक सेचुरेट हो जाना, ये जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। और यहाँ पे वोल्टेज जो सैपली इंक्रीज हुई थी उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपका सेटअप पीएन जंक्शन डायोड्स करेक्टरिस्टिक्स। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होती है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू एंड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं। टेक केयर।